जय हिंद बच्चों। आज बेटा हम लोग FST 10 का हिंदी मोड पे सॉल्यूशन लेकर आए हैं और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आई होप आप अच्छे मार्क भी ला रहे होंगे। धीरे धीरे आपकी मेहनत काम का वो दिखने लगा होगा, असर उस पर दिखने लगा होगा। तो अगर कोई डाउट हो आपको 1 से 25 तक, तो वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो देख के अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा, कह रहा है कर्ण का सूत्र थीटा। ये थीटा मतलब कोणीय विस्थापन है बच्चा। 3t4/8 − t² / 2 रेडियन के अनुसार विरामावस्था से एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमना शुरू करता है, 2 सेकंड के अंत में कोणीय त्वरण होगा। तो बेटा हम सबको पता है कि अगर ये थीटा जो दे रखा है ये कोणीय विस्थापन है और इसका हम लोग अगर अवकलन करें तो d θ/dt ये आपका कोणीय वेग होगा, 3/8 4t³ हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2t। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/2 t³ − t। ये d θ/dt आया। इसका एक बार हम लोग और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कोणीय त्वरण मिल जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करने पर हम लोगों को मिलेगा 9/2 t² − 1। ये हमें एक समीकरण मिल गया टाइम के पदों में। और यहाँ पे टी बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो जब यहाँ पे हम लोग टी बराबर 2 रखेंगे तो d²θ/dt² जो कि कोणीय त्वरण को रिप्रेजेंट करता है, 9/2 × 2² = 4 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 18 − 1 = 17 rads/sec². ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप अगर हम चेक करें तो ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पे मिल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है गलत कथन की पहचान कीजिए। बेटा यहाँ पे छिद्र का मतलब होल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल बोलते हैं नीचे और हिंदी में बोलते हैं कोटर। और आपने ये अर्धचालक में पढ़ा होगा। ओके तो कह रहा है कि जो कोटर है वो संयोजी बंध में एक लुप्त इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल बात सही है कि जब हम लोग शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक की तरफ कुछ डोपिंग करते हैं तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड पे एक वैकेंट स्पेस, एक रिक्त स्थान खुद बन जाता है जो कि पूरे सेमीकंडक्टर पे घूमता रहता है। उसी वैकेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और हम लोग ये मानते हैं कि जो होल है उस पर आभासी धनात्मक आवेश होता है, आभासी धनात्मक आवेश होता है। तो ये भी सही हो गया। और सबको पता है या हम लोगों को पढ़ाया भी गया, हम लोगों को पता भी होता है कि जो कोटर की मोबिलिटी होती है, गतिशीलता, वो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से क्या होती है, कम होती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें बोला है कि जो होल है वो वास्तविक आवेश के रूप में कार्य करता है। ये स्टेटमेंट बेटा क्या गलत है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग आवेश को आभासी आवेश मानते हैं। क्या मानते हैं, आभासी आवेश मानते हैं। तो आपको गलत कथन चुनना था। तो हिसाब से आपका सही जवाब क्या होगा, चौथा सही होगा। ठीक है, थोड़े से उठाया गया क्वेश्चन था ये आपका। हाँ, कह रहा है कि निम्न में कौन सा ग्राफ आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच में सही है। बेटा आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है के मैक्स, वो होती है hc/λ − φ। यहाँ पे बेटा फाई आपका क्या है, कार्य फलन है। और देखो अगर के और लेमडा के बीच रिलेशन देखा जाए तो के प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ये आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखेगा। लेकिन अगर आगे देखें तो माइनस फाई भी दिख रहा है। तो ये एक्स एक्सिस से लेमडा वाली एक्सिस से थोड़ा कहाँ नीचे की ओर जाता हुआ दिखेगा। तो हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सेकेंड ऑप्शन सही था। बहुत ही अच्छा ग्राफ आपसे पूछा गया और इसको याद भी रखिएगा। ये कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में हैं जो आपको 2025 में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार द्रव्यमान m और त्रिज्या 2r के ठोस गोले की किसी अक्ष x x' के प्रत्यय घूर्णन त्रिज्या है। बेटा ये ठोस गोला है, और ये ठोस गोले की अगर हम बात करें तो ठोस गोले के लिए यहाँ पे जो त्रिज्या दे रखी है वो 2r है बेटा, और ये जो अक्ष है ये इसके व्यास के अनुदिश, और व्यास के अनुदिश या सेंटर मास के अनुदिश आपने पढ़ा होगा 2/5 mr², तो 2/5 m, और यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है 2r, तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका बनेगा 8/5 mr². ये बन गया, ठीक है ना। अब ये अक्ष और ये अक्ष एक दूसरे के समांतर दिख रही है, तो जो समांतर अक्षों की प्रमेय होती है तो i = ICM + ma² होता है।
ICM आपने निकाला 8/5 mr² बेटा प्लस m, और बेटा a 2r है तो ये 4r² हो जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 28/5 mr² हो गया, ये बेटा i बना। और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है i बराबर mk square, और ये जो k होता है घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है बेटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, किसी भी बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंडेंसी नहीं है, किसी भी बॉडी के लिए आप आई बराबर एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, ये एम के स्क्वायर बराबर 28/5 एम आर स्क्वायर, बेटा एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और के बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 28/5 आर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में अगर चला जाए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा था आपको, क्वेश्चन नंबर 4th का आपका पहला ऑप्शन दिख रहा था, ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 kg द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था में स्थित एक दूसरे पिंड के साथ प्रत्यास्थ संघट करता है और अपनी मूल चाल के छठे भाग के साथ मूल दिशा में आगे बढ़ रहा है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, बेटा जब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखो प्रत्यास्थ संघट है, और जब हम लोग प्रत्यास्थ संघट की बात करते हैं तो संघट कोई भी हो हमेशा रेखीय संवेग संरचित रहता है। मान लीजिए 3 kg का है, इसकी चाल V0 हो गई, जो दूसरा वाला है M मास का वो विराम पर है तो वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पे प्रत्यास्थ संघट हुआ होगा, और प्रत्यास्थ संघट के बाद ये 3 kg, इसकी जो चाल है वो छठा भाग हो गई V0/6, और ये m, इसकी चाल हम लोगों ने मान ली v है, इसकी चाल हम लोगों ने क्या मान ली v है। अगर हम रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाए तो ये 3v0 बराबर 3v0/6 माइनस m इंटू वी सॉरी प्लस m इंटू वी, ये इधर आएगा 3v0 माइनस 3v0/6 बराबर m इंटू वी, बेटा जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3v0 कॉमन ले लोगे आप तो यार डिवाइड करोगे तो ये 5v0/6 बराबर m इंटू वी आया। अब बेटा हमको एक लाइन और पता है कि जो प्रत्यास्थ संघट होता है उसमें सापेक्ष वेग बराबर होते हैं, उसमें सापेक्ष वेग क्या होते हैं बराबर होते हैं, टक्कर के पहले का सापेक्ष वेग बराबर टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग, और टक्कर के पहले का सापेक्ष वेग क्या था V0 था, और टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग क्या है V-V0/6 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो V बराबर आपको दिख रहा होगा 7V0/6, और यहाँ पे जो V दिख रहा है वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 7V0/6, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग बच्चा तो M इंटू 7V0/6, बेटा V0 से V0 क्या हो गया कैंसिल हो गया V0 से, अच्छा बेटा ये जरा यहाँ पे चेक करो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है ठीक है ना, तो ये 2 आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15/7 kg, ओके तो ये आपका आंसर आता हुआ दिख रहा है। और ऐसा आंसर कहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे ऑप्शन पे लिखा है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करें एक मछली किसी द्रव की सतह से 30 cm की गहराई पर है, यदि मछली और हवा में एक प्रवेक्षक द्वारा देखी गई उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 7.5 cm, मतलब जो ओरिजिनल वस्तु है उससे थोड़ा प्रतिबिंब ऊपर दिख रहा है उसको बोलते हैं आभासी विस्थापन, और आभासी विस्थापन x कितना दे रखा है 7.5 cm, तो कह रहा है कि जो द्रव है उसका अपवर्तनांक, बेटा ये रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट से आया है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर हम लोग जो पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है कि रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा चीज़ें शिफ्ट होती दिखाई देती हैं, और वहाँ पे मीडियम की भी डिपेंडेंसी बनती है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो जब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है, जो ऑब्जर्वर है वो एयर है रेयरर मीडियम में विरल माध्यम में, तो जो आभासी विस्थापन होता है एक्स वो d(1-1)μ हो जाएगा, बेटा ये कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा है 7.5, डिस्टेंस कितना है 30 cm, 1-1/μ आपका अपवर्तनांक है 7.5/30, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/4 होगा, ये 1/μ बराबर हो जाएगा 1-1/4, ये हो जाएगा 3/4,
और म्यू बराबर हो जाएगा 4/3, 4/3। तो ये आपका सही जवाब हुआ। और ये आपका सही जवाब कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बेटा, ये फार्मूला याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में लिखित किस भौतिक राशि की विमा विकृति के समान है? विकृति के समान है। तो बेटा यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो आपका अपवर्तनांक है। पहला ऑप्शन क्या है? अपवर्तनांक है। दूसरा संवेग है। तीसरा दाब है। और चौथा प्लैंक स्थिरांक है। तो बेटा अपवर्तनांक की क्यों कोई विमा नहीं होती? क्योंकि अपवर्तनांक होता है C/V, प्रकाश का वेग बटे किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। तो दोनों का विमाहीन हो जाएगा काटने पर। तो अपवर्तनांक की कोई विमा नहीं होती। तो 7 का आपका पहला आंसर सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निर्वात में गमन करने वाली EM तरंग के लिए स्रोत से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान 2.09×10⁻⁷ टेस्ला है। तो समान दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपने पढ़ा होगा प्रकाश का वेग C/E/V, ये तो यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा बच्चा? B×C आएगा। B की वैल्यू दे रखी है 2.09×10⁻⁷ और C आपको पता है 3×10⁸ होता है। जब इसको सॉल्व करोगे 10 आएगा और यहाँ पे 62.7 वोल्ट/मीटर आ जाएगा। ओके, और ऐसा कहाँ दे रखा है? ऐसा तीसरा ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका तीसरा ऑप्शन सही हुआ। ओके, जरा क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है नियत लंबाई के एक तार पर एक नियत वोल्टेज लगाया जाता है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD पाया जाता है। लंबाई को नियत रखते हुए यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अब दोगुना कर दिया जाए, जो क्षेत्रफल है जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो डबल किया गया है, तो समान वोल्टेज में कोई चेंजमेंट नहीं किया, जो वोल्टेज पहले था वही वोल्टेज अभी भी है, कह रहा तार पर लगाया जाता है, तो अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था गतिशीलता म्यू बराबर VD/E। VD आपका अनुगमन वेग होता है। तो यहाँ से VD बराबर क्या हो जाएगा? μ×E। और किसी कंडक्टर के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये आपका क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। और E बराबर हम लोगों ने पढ़ा है V/L। ये आपका एक रिलेशन आया बच्चों, ठीक है ना। अब इस रिलेशन में देखो यहाँ पे लंबाई में कोई चेंज नहीं किया गया, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं किया गया, इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी गिवन कंडक्टर किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए म्यू क्या होता है? कॉन्स्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की कोई भी डिपेंडेंसी, कोई भी निर्भरता नहीं बन रही है। तो क्षेत्रफल आप दोगुना करिए या आधा करिए, अनुगमन वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पहले अनुगमन वेग VD था तो क्षेत्रफल दोगुना करने के बाद भी अनुगमन वेग कितना होगा? VD होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका पहला ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन। तो अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करे कि M-1 L-3 T4 A2 निम्न में संबंधित है। बेटा स्वप्रेरकत्व का आपने मात्रक पढ़ा होगा वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वोल्ट के लिए क्या लिखते हैं? M L2 T-3 A-1। ये T हो गया और ये हो गया A। देखो यहाँ पे M देखो माइनस में आ रहा है तो ये तो होगा नहीं। चुंबकीय पारगम्यता न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। और इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे M आता हुआ दिख रहा है, जबकि यहाँ पे M-1 है, तो ये भी नहीं होगा। निर्वात की वैद्युतशीलता और इसका यूनिट आपने पढ़ा होगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर के लिए लिखते हैं A2 T2, न्यूटन के लिए लिखते हैं ML T-2 और ये हो जाएगा L2। जब इसको सॉल्व करोगे तो M-1 L3 T4 A2। जरा मैच करके देखिए क्या बन रहा है। हाँ, ये L-3 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन रहा था, ये सेम मैच कर रहा है, तो इस वजह से इसका सही जवाब क्या होगा? निर्वात की वैद्युतशीलता। ओके, चलिए आसान सा क्वेश्चन था यूनिट एंड डायमेंशन से। क्वेश्चन नंबर 11 पोटेशियम का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि उत्सर्जित सर्वाधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो के मैक्स होता है वो फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन होता है। तो यहाँ से ई बराबर क्या आ जाएगा? के मैक्स या ई मैक्स भी लिख सकते हो आप, +5। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दे रखी है? 2.1 और ये दे रखा है 2.3, तो ये आया 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा HC/E जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया और ये कैलकुलेट करने पे आता है एंगस्ट्रॉम।
तो एच सी की जगह वैल्यू रखी गई 1, 2, 3, 7, 5 अपॉन ये रखा गया 4.4 एंगस्ट्रॉम। देखो अगर हम डिवाइड करें तो 44 त्रिका होता है 132, जबकि है कितना 123, तो 44 दोनों होता है 88। तो हमारा पहला डिजिट क्या है 2। हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें टाइम भी बचाना होता है ना। तो यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन 2 से शुरू नहीं हो रहा सेकंड को छोड़ के, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा सेकंड होगा। ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो गतिमान कणों के विस्थापन समय ग्राफ एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया, उनके संबंधित वेगों का अनुपात। तो बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो वेग होता है v बराबर tan थीटा होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दे रखा है तो v1 अपॉन v2 बराबर tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2, तो v1 अपॉन v2 बराबर tan 30 अपॉन tan 45, tan 30 1 अपॉन रूट 3, tan 45 आपका 1 हो गया। तो जो v1 अपॉन v2 होता है वो 1 अपॉन रूट 3 है, वो 1 अपॉन रूट 3 है। तो सही जवाब आपका 1 अपॉन रूट 3 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों की गतिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, आवेश पर चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बेटा हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था चुंबकीय बल F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, और हम सबको पता है कि जो बल की दिशा होगी वो बी वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और अगर बल कभी v के परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो चुंबकीय बल है वो तात्कालिक विस्थापन के लंबवत होगा। तात्कालिक विस्थापन के लंबवत होगा तो w बराबर हम लोगों ने पढ़ा था fd cos थीटा, और अगर थीटा 90 हो गया तो बेटा w क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और प्लस कार ऊर्जा प्रमेय w बराबर डेल्टा के, अगर w जीरो है तो बेटा k आपका क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, k में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है सही है, और कहाँ पे लिखा है ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, तो ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस के संदर्भ ताप पर एक पतले चांदी के तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तार को द्रव कुंड में रखा जाता है और उसका प्रतिरोध 1.2 ओम तक बढ़ जाता है, कुंड का अनुमानित ताप क्या है चांदी के लिए। बेटा देखो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, ये अल्फा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, टी होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, आर नॉट या आर जीरो होता है जीरो डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध, और आरटी होता है टी डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध। अभी शुरुआत में टेम्परेचर कितना था 20 था, प्रतिरोध कितना था 1 ओम था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू रखी जाए तो ये 1 हो जाएगा, ये आर नॉट हो जाएगा 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है 3.8 × 10⁻³ × 20। ओके हम जब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रतिरोध कितना हो जाता है 1.2, ये आर नॉट रहेगा 1 प्लस, और इसी का मेरे को टेम्परेचर बताना है तो इनटू टी कर दिया हम लोगों ने। अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम डिवाइड करें तो ये 5/6 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने पे और नॉट से और नॉट कैंसिल होगा 1/1.2, तो डेसिमल हटाओगे तो 5/6 आएगा 2 से डिवाइड करने पर 1 प्लस। बेटा इधर गुणा करोगे 16 और 6 7, और ये कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगा बेटा 1 अंक बाद दशमलव आएगा, और यहाँ पे 10⁻³ है तो ये बढ़ा के यहाँ पे ये दशमलव लगा दिया, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.076, ओके ये लिख दिया अपॉन, बेटा यहाँ पे जो आ रहा है आपका ये 1 + 3.8 × 10⁻³ टी आएगा। अगर हम लोग क्रॉस गुणा करा लेते हैं तो ये आएगा 6.3645, ओके ये आया 6 से गुणा करने पर, इधर आएगा 5 + 3.8 × 5 करेंगे तो 40, और ये 19 आ गया × 10⁻³ × t हो गया। ओके जब इसको इधर लेके आएंगे तो 1.456 आएगा, 19 × 10⁻³ आ जाएगा t आएगा। देखो इसको लिख सकते हैं 1456 × 10⁻³ 19 × 10⁻³ t, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो टी बराबर आ जाएगा 1456/19। अगर 19 का भाग लगाया जाए 135 में, 19 × 7 = 133 होता है, 33 होता है। फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसका पहला डिजिट 7 है, तो आपका चौथा ऑप्शन है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा चौथा होगा। जब ऑप्शन का पहला ही डिजिट आपको अलग मिल रहा है तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने पे अपना टाइम यूज़ नहीं करना है। ओके तो ये आपका चौथा ऑप्शन इसका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कह रहे किसी नाभिकीय संलयन में नाभिक की द्रव्यमान क्षति 0.4% होती है,
जब 1 किलोग्राम नाभिक का उपयोग संलयन के लिए किया जाता कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो बेटा द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम 1.4% ऑफ 1 kg है। तो जब हम देखते हैं कितने किलोग्राम का द्रव्यमान क्षति हुआ, तो 0.4/100 × 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4×10⁻³⁾ kg। और आइंस्टीन के एनर्जी मास इक्विवेलेंट से डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो 4×10⁻³ × c की वैल्यू 3×10⁸, तो ये आ जाएगा बेटा 36×10⁻³ और यहाँ पे आएगा 3.6×10⁴ जूल। और ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको? ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है 3। ओके, तो आई होप आप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2500 kg एक लिफ्ट और यात्री का अधिकतम भार है जो 0.5 m/s² के नियत चाल के साथ, मतलब अगर चाल नियत है तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गति कर रहा है, गति के विरुद्ध घर्षण बल कितना है? 3500 N है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। लिफ्ट को 100% दक्ष मानते हुए, जब लिफ्ट पूरी तरह से भरी हुई ऊपर जा रही हो तो मोटर द्वारा लिफ्ट को दी जाने वाली शक्ति है। बेटा यहाँ पे लिफ्ट नियत चाल से चल रही है, जब नियत चाल से चलेगी तो हम ये देखते हैं कि ऊपर की ओर लगने वाला एफ नेट कितना होगा। भार जो होगा वो भी नीचे की ओर लगेगा, और भार 2500 किलोग्राम द्रव्यमान है तो भार W बराबर mg होता है, तो जी का गुणा कर देंगे 10 का, तो ये 25,000 हो जाएगा। घर्षण बल भी नीचे की ओर लगेगा 3500, और नियत चाल से मतलब त्वरण 0 हो जाएगा, और त्वरण 0 होने का मतलब है जो नेट फोर्स है इन दोनों के सम के क्या होगा? बराबर होगा। तो 25,000 + 3500 ये बेटा कैलकुलेट होने पर आएगा 0.0582, ये इतने न्यूटन आया। और हम सबको पता है कि जो पावर P होता है वो एफ नेट इंटू वी होता है। एफ नेट आपका आ गया 28500, और जो वी दे रखा है 0.5 दे रखा है, 0.5 मतलब 1/2, जब इसको हम करेंगे 14250 वाट, इतना आ जाएगा 14250 वाट। और ये कहाँ दिख रहा है? फोर्थ पे दिख रहा है। थोड़ा दिमाग लगाना था NLM का, और बाकी आसान सा फार्मूला लगाना था उससे हो जाना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका लिफ्ट से है, एक सरल लोलक लिफ्ट की छत से लटका हुआ है, लिफ्ट विरामावस्था में है, तो उसका आवर्तकाल टी है, इसके आवर्तकाल को 2T/3 तक कम करने के लिफ्ट को किस त्वरण से ऊपर जाना होगा? अगर बेटा लिफ्ट ऊपर जा रही होती है ए त्वरण से, तो उसका जो नेट एक्सीलरेशन होता है, नेट एक्सीलरेशन वो g+a हो जाता है। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो टी अप हो जाएगा 2π√L/g+a, और जब लिफ्ट रेस्ट पर होती है तो टी बराबर होता है 2π√L/g। अगर इसको हम डिवाइड करें तो टी अप/t बराबर हो जाएगा √g/g+a। ये अपने काम का फार्मूला आ गया, ये अपने काम का फार्मूला आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी अप कितना दे रखा है? 2T/3 दे रखा है, और ये टी हो गया √g/g+a। बेटा टी से टी कैंसिल हो गया, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आएगा, और ये हो जाएगा g/g+a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4g + 4a = 9g, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5g = 4a, तो g बराबर क्या आ जाएगा? 4a/5, ये g आया, तो 4a/4, आपको a निकालना था बेटा, तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 5g/4, ये कितना आएगा? 5g/4। और ऐसा कहाँ पे दे रखा है? ऐसा तीसरे ऑप्शन पे दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका तीसरा ऑप्शन सही हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ ये assertion और रीजन का है, कहता है पूर्णतः प्लास्टिक पिंड के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक 0 होता है। बिल्कुल सही है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक 0 होता है, उनके अंदर प्रत्यास्थता जैसा गुण नहीं होता। प्रत्यास्थता गुण किसकी वजह से डेवलप होता है? जो हम आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बाय बल, तो उनके अंदर एक इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स विच इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको प्रत्यानयन बल भी बोलते हैं, उसके रूप में डेवलप हो जाता है। जो एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर उस ऑब्जेक्ट को या उस बॉडी को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने का क्या करता है? एफर्ट करता है। ओके, तो ये बात ये बिल्कुल सही कि प्लास्टिक, जो प्लास्टिक बॉडीज होती है उनका प्रत्यास्थता गुणांक 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन पर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता। एक पूर्णतया प्लास्टिक पिंड के लिए प्रत्यानयन बल 0 होता है, ये भी सही है, और ये एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, रीजन भी सही दे रहा है।
तो अभिकथन एक और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था और पहला वाला भी याद रखना क्योंकि इंडिविजुअल पहले वाले से क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ, ये आपका लॉजिक गेट से दे रखा है, कह रहा है दिए गए लॉजिक परिपथ के लिए सही विकल्प की जाँच करिए, सही विकल्प की जाँच करिए। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो आपका लॉजिक गेट दे रखा है, तो लॉजिक गेट को जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो ये ए है और यहाँ से ये जब जा रहा है तो यहाँ पे देखो ये ए बना और ये क्या बन गया बी, जबकि ये आपका नॉट गेट, ये आपका ए नेगेटेटेड है आपका, तो ये ए बार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और जब यहाँ से निकलेगा ये, जब यहाँ से ये निकलेगा तो यहाँ पर ये बनेगा ए, क्योंकि नॉट गेट है ए एंड बी नेगेटेटेड, और जो नीचे बन रहा है आपका वो बनेगा ए बार डॉट बी नेगेटेटेड, ये बनेगा। और ये फिर एक बार और गेट पे एंट्री ले रहे हैं, जब और गेट पे एंट्री लेंगे तो ये बनेगा ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा, और जब ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा तो डी मॉर्गन थ्योरम का ये है कि जैसे हम ये बार हटाते हैं बीच का साइन भी क्या होता है चेंज हो जाता है, और जैसे ये बीच का साइन चेंज होगा ए डॉट बी प्लस ये आपका आ जाएगा। जब इस तरह का आपका आ गया तो एक बार फिर यहाँ पे देखिए जरा कि यहाँ पे हम B कॉमन ले सकते हैं डॉट A प्लस A नेगेटेटेड इस तरह, और ये आपका A बनेगा और A नेगेटेटेड प्लस A आपका क्या हो जाता है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा B बचेगा, ये बचेगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, अगर B ये आपका C बराबर चल रहा था बेटा, अगर आपका B 0 होगा तो C आपका क्या होगा 1 होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। B 1 है तो C आपका क्या होगा 0 होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। B 0 है C 0 नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। देखो आपका अगर B 1 है तो C क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। आप इसको ऑप्शन से भी सही तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपको डी मॉर्गन थ्योरम नहीं है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि धातु की अंगूठी से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स समय टी के साथ 5e बराबर 2bt स्क्वायर माइनस at क्यूब टेस्ला मीटर स्क्वायर के रूप में बदलता रहता है, जहां SI मात्रक में है और a बराबर 2 और b बराबर 6 दे रखा है, वलय का प्रतिरोध 2 ओम दे रखा है, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के दौरान बनेली प्रेरित अधिकतम धारा। अगर ये अधिकतम और न्यूनतम जैसा कुछ वर्ड मिल रहा है तो पक्का यहाँ पे क्या करना होगा आपको, आकलन करना होगा, डिफ्रेंसिएशन करना होगा फंक्शन को, di अपॉन dt बराबर 0 दिखाना होगा। ओके, कुछ ऐसा जरूर करना होगा जिस क्वांटिटी को आपको अधिकतम या न्यूनतम करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें आई तक पहुंचना है, तो पहले मॉड ई निकालते हैं। मॉड ई होता है डी फाई अपॉन डी टी, तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 4bt माइनस 6at स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दिए बच्चा। ओके, जब ये डिफ्रेंशिएट हुआ तो हम लोगों को पढ़ा है कि आई बराबर होता है मॉड ई अपॉन आर, और R का मान कितना दे रखा है 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2bt माइनस 3at स्क्वायर, ये आई आया। इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो di अपॉन dt, 2b एज अ इट इज लिखा रहेगा, t का अवकलन होता है 1 माइनस 3a और t स्क्वायर का अवकलन होता है 2t, तो इसके ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं 2b माइनस 6at, ये आपका आया di अपॉन dt। बेटा अधिकतम और न्यूनतम के लिए, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए di अपॉन dt क्या करेंगे 0 करेंगे, और जब इसको 0 के बराबर कर देंगे 2b माइनस 6at बराबर 0, तो यहां से बेटा t बराबर क्या आएगा 2b अपॉन 6a, तो ये आ जाएगा b अपॉन 3a, b अपॉन 3a। ओके, जब ये t बराबर b अपॉन 3a आया तो हम यहाँ पे जो i का एक क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पे जहाँ जहाँ हमें t दिख रहा है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे b अपॉन 3a, तो i बराबर आएगा 2b इंटू बी अपॉन 3a माइनस 3a, स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर आएगा। बेटा ये सॉल्व करने पर आएगा 2b स्क्वायर अपॉन 3a, और ये सॉल्व करने पर आएगा b स्क्वायर अपॉन 3a, तो यहाँ से i बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 3a। और जब ये i बराबर, ये i मैक्स आ रहा है बेटा, i मैक्स आ रहा है क्योंकि अधिकतम धारा निकालनी थी,
और ये जो आई मैक्स आपने निकाला, यहाँ पे बी और ए की वैल्यू रखते हैं। बी कितना दे रखा था? 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 3 इंटू, ए कितना दे रखा था? 2, और ये डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर आ जाएगा। तो देखते हैं कहाँ किस ऑप्शन पे लिखा है। तो ऐसा मेरे को पहले ही ऑप्शन पे दिख गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका पहला ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 करा, यदि क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन का कार फलन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की समान धातु के प्लेट पर एक के बाद एक आपतित होते हैं, तो उनके द्वारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो बेटा गतिज ऊर्जा के मैक्स का फार्मूला हम लोगों ने लिखा है ई माइनस फाई, ये ई होता है फोटॉन की ऊर्जा, फाई होता है कार फलन। के मैक्स आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की, तो के मैक्स फर्स्ट, ई कितना दे रखा है? 1, और कार फलन कितना दे रखा है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और के मैक्स 2 जब ये सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 माइनस 0.5, तो ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा जब इसको डिवाइड करोगे के मैक्स फर्स्ट अपॉन के मैक्स सेकेंड, तो ये बेटा 0.5 अपॉन 2 आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1/4। और ऐसा कहाँ दे रखा है? थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, त्रिज्या 2R तथा आवेश 3Q का एक गोला त्रिज्या 3R के सकेंद्रीय काल्पनिक गोले के अंदर रखा गया है। ओके, काल्पनिक गोले का संबद्ध अगर हम बात करें बेटा, ओके, ऐसा कुछ हुआ होगा, और ये रेडियस आपकी 2R दे रखी है, और ये आपका क्या हो गया? 3Q हो गया, और ये जो रेडियस है वो आपका 3R दे रखा है। अगर मैं बोलता हूँ कि जो बाहर वाला है वो उसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, इनक्लोज्ड चार्ज तो आपका 3Q ही रहेगा ना। ओके, और आपने गॉसियस थ्योरम पढ़ा होगा कि जो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन होता है, तो यहाँ पे 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये कहाँ पे लिखा है? ये बच्चा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, नाभिक ए और बी की बंधन ऊर्जाएं क्रमशः ई ए और ई बी हैं, तत्व तो बी के 3 परमाणु मिलकर तत्व तो ए का एक परमाणु बनाते हैं, और एक ऊर्जा क्यों निकलती है? अच्छा, सेकेंड लाइन पर थोड़ा फोकस करो, कह रहा है तत्व बी के 3 परमाणु मिलकर ए बना रहे हैं, और साथ में क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो जो ई ए होगा वो तत्व बी के 3 परमाणु की ऊर्जा और प्लस जो निकल रही है प्लस क्यू, ये बनेगा। तो कह रहा है किस प्रकार संबंधित है? इस तरह का कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहां से क्यू बराबर अगर देखा जाए तो ई ए माइनस 3EB, ऐसा ही तो कुछ है ना। अब ये चेक कर लेते हैं, क्यू पहले ऑप्शन पे दिखा, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका पहला ऑप्शन सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 पे एक फिगर बनाया गया है, और ये जो आपका है, ये आपका है क्या? अनंत लंबी अचालक समतल चादर है, और अनंत लंबी अचालक समतल चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये बेटा जो डायपोल दे रखा है द्विध्रुव, इसका जो आघूर्ण होगा वो होगा Q इंटू आर। आघूर्ण क्या होगा? Q इंटू आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये आपका डायपोल हो गया, और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। बल आघूर्ण पूछा था, तो टाऊ बराबर होता है PE साइन थीटा। टाऊ बराबर क्या होता है? PE साइन थीटा। पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू आर। ई की जगह क्या लिख सकते हैं? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और साइन थीटा। देखते हैं कहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है।
और जब आप देखेंगे तो ऐसा तो आपको पहले ही ऑप्शन पे दिख गया सिग्मा क्यू आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका पहला ऑप्शन सही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल था, थोड़े फार्मूले बस रिवाइज करने थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है समांतर प्लेट वायु संधारित की दो प्लेटों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक 3 और मोटाई 3 मिलीमीटर का एक स्लैब डाला जाता है जिसके फलक प्लेटों के समांतर है। प्लेटों के बीच की दूरी इस प्रकार समायोजित की जाती है कि धारिता फिर से परावैद्युत के बिना धारिता के बराबर हो जाती है। प्लेटों के बीच की नई दूरी, बेटा पहले हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये तब के लिए, अगर बीच में परावैद्युतांक डाला है तो धारिता में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है तो सी रहेगा। एप्सिलॉन नॉट ए नई डिस्टेंस डी डैश हो गई, परावैद्युतांक की मोटाई टी हो गई और ये टी प्लस के। जब ये बराबर है तो उधर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर इक्वलिटी दिखाइए आप। तो बेटा देखो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो डी बराबर डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन के। वैल्यू रखने का नंबर आ गया बेटा, डी डैश आपको कैलकुलेट करना है नई दूरी, जबकि डी कितना दे रखा था 4 मिलीमीटर दे रखा था, यहाँ पे हम लोगों ने 4 रख दिया, डी डैश हो गया। परावैद्युत की मोटाई कितनी दे रखी, 3 मिलीमीटर दे रखी है, प्लस 3 अपॉन परावैद्युतांक कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, डिवाइड करोगे 1 आएगा, 4 बराबर डी माइनस 2 आएगा, तो यहाँ से डी डैश बराबर क्या आ जाएगा 6 मिलीमीटर, डी डैश बराबर क्या आएगा 6 मिलीमीटर आएगा। और ऐसा कहाँ दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन पर दे रखा है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड ऑप्शन से हुआ। आई होप आपको कुछ जो भी अगर आपके डाउट होंगे तो उनको मैंने दूर करने में कोशिश की थी, आपके दूर भी होंगे। तो और इसके आगे का जो सोल्यूशन है 26 से 50 वो यथार्थ से आपको समझाएंगे। ओके, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, हम लोग अगले कभी किसी टेस्ट में मिलेंगे। जय हिंद बच्चों, जय श्री राम बच्चों। तो अब तक आपने 1 से 25 तक का सवाल देखा, तो आज हम आप देख रहे हैं FST 10, और FST 10 में फिजिक्स में 1 से 25 सवाल आपको बहुत शानदार तरीके से आपने उसका सॉल्यूशन एनालिसिस कर लिया। तो चलिए 26वें सवाल से हम आप देखते हैं। तो कह रहा है 26वां सवाल, एक समान वाह चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री अंश पर अपने अक्ष के साथ रखा गया, एक छोटा छड़ चुंबक 0.05 न्यूटन मीटर के बराबर परिमाण के बल आघूर्ण का अनुभव करता है, तो छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण होगा। ए बेटा रे सूत्र आपने पढ़ा होगा, टाउ बराबर कहते हैं इसको एम कौन सा सदिश गुणनफल, बोलो भैया क्या, बी के साथ, यानी टाउ बराबर एम क्रॉस बी। अच्छा सदिश गुणनफल लगा है तो इसका अगर हम क्या निकाले, बोलो साहब परिमाण निकाले, तो टाउ बराबर लिखेंगे एम बी साइन थीटा। ए साहब एम का मान पूछा है तो ये हो जाएगा टाउ बटे बी साइन थीटा। बाबू रे टाउ का मान कितना दे रखा है, तो जवाब है 0.05 और बटे बी कितना दिया है चुंबकीय क्षेत्र 0.25 और साइन 30 डिग्री, अरे कितना कोण है 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री यानी 1/2। तो बाबू रे अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला 5 होगा तो नीचे वाला 25 होगा, ये 1/2 का 2 ऊपर जाएगा तो इसको ये 5 5 बार मारेगा, तो 2/5 को हम लोग 0.4 कहेंगे, यानी कौन सा उत्तर आएगा, तो जवाब है दूसरा वाला। सवाल क्या कह रहा है सर, आपको दिया क्या है, आपको टाउ का मान दिया गया है, आपको बी का मान दिया गया है, और एम और बी के बीच का कोण अर्थात साइन थीटा का मान दिया गया है। अच्छा सर पूछ कह रहा है एम का मान पूछ रहा है, तो सूत्र कहता है क्या टाउ बराबर एम क्रॉस बी है, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अगर इसका परिमाण बस लेके तो एम बी साइन थीटा, एम को एक तरफ किया क्योंकि वही निकालना है, पढ़ा जाए आगे। चलिए सर बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ में संयोजित धारियां 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र में संचित्र ऊर्जा होगा। ए साहब ये 4 माइक्रोफेरेड वाले में पहले देखो यहां 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, अगर एक सिरे पे हमने बोला 0 वोल्ट तो दूसरे सिरे पे 10 वोल्ट, यहां 10 वोल्ट तो यहां भी 10 वोल्ट क्योंकि कोई प्रतिरोध नहीं है, यहां 0 वोल्ट तो यहां भी 0 वोल्ट। ए बाबू रे 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र में जो भी अगर आप देखोगे तो विभांतर कितना आएगा, तो विभांतर 10
प्लस और जीरो यानी 10 का आया। अगर हम बात करें संचित ऊर्जा के, तो ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 सीवी के घाते 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा सर, 1/2 सी का मान रख लीजिए 4 माइक्रो, अच्छा माइक्रो फेरेड, तो जो भी ऊर्जा आएगा माइक्रो जूल में आएगा, गुड़े गुड़े वी बोले तो 10^2, यानी ये आ गया 2 मारेगा 2 बार, 10^10 = 100 माइक्रो जूल। यह बेसिकली आपका क्या आया है, 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र के में संचित ऊर्जा का मान, यानी ये किस विकल्प में मिल रहा है सर, तो जवाब है पहले में। बोलो क्लियर हो गया बड़े मास्टर, आगे चलिए सर, इतनी बात आपकी समझ में आ गई, बड़ा ही सरल सवाल था, अगला देख लेते हैं। 50 हर्ट्ज आवृत्ति के एसी स्रोत के लिए श्रेणी में जुड़े 30 ओम के प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व 0.4/π हेनरी वाले परिपथ की प्रतिबाधा, इम्पिडेंस यानी प्रतिबाधा की बात करेंगे, तो सूत्र होता है करणी में r^2 धन x^2। ये साहब R का मान तो दे रखा है, R तो सर 30 ओम है, अच्छी बात है, X क्या होता है सर, तो जवाब है 2π f/L। सर 2π समझ में आया, F क्या है सर, आवृत्ति है, अच्छा L क्या है बोलिए सर, L क्या है, तो जवाब है L आपका प्रेरकत्व है, यानी जिसको आप इंडक्टेंस कहते हैं। सर अगर L की बात की जाए तो 2π f की जगह लिख दीजिएगा 50, ये साहब L की जगह क्या लिखेंगे सर, 0.4/π। सर पाई पाई खत्म हो जाएगा, ये शून्य इसको 0.4 को 4 बनाया और 5×2 = 10 x का मान तो सर 40 आएगा, ए बाबू रे जेड यानी कि प्रतिबाधा हो जाएगा करड़ी में 30^2 धन 40^2, अर्थात यह बाहर निकल के मान 50 के समान आएगा, जो कि विकल्प संख्या 4 में मौजूद है। बोलो कहानी क्लियर है, अरे बोल भैया जल्दी से मास्टर बढ़ जाए आगे, कोई समस्या कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ये 29th वाला क्वेश्चन, कह रहा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्क्रीन पर 4th उच्चिष्ट और 3rd निम्निष्ट के बीच का अंतर फ्रिंज की चौड़ाई का n गुना है, यानी कहना ये चाहते हैं 4th उच्चिष्ट के लिए आप लिखिएगा 4λ D/d और 3rd निम्निष्ट के लिए लिखिएगा 2n की जगह तीसरा वाला n-1λ D/2d, तो यह आ जाएगा 3×6 में से एक जाएगा 5λ D/2d। इनका अंतर 4th उच्चिष्ट और 3rd निम्निष्ट के बीच का अंतर यानी y4 ऋण y3, यह n क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई, n फ्रिंज की चौड़ाई क्या, λ D/d के बराबर है, तो y4 का मतलब 4λ D/d ऋण 5λ D/2d, यह किसके बराबर है, n λ D/d, यहाँ लसप लीजिएगा तो 2d हो गया, 4×8λ D- और क्या हो जाएगा 5λ D बराबर n λ D/d, बाबू रे ऊपर तो आएगा 3×3λ D/2d का मान n λ D/d है, डी से डी गया, λd गया, तो n का मान जो आएगा 3/2 आएगा। सवाल कह रहा है 2n का मान बताओ, यानी 2×n का मान, तो 2×n के जगह 3/2, तो 2n का जो मान आएगा वह 3 के बराबर हो जाएगा, यानी वह विकल्प संख्या 3rd में मौजूद है। बोलो क्लियर हो गया, एकदम सरल सवाल था। चलिए सर बढ़ते हैं आगे,
जल्दी से अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा धरातल से धरातल तक प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्त द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई क्रमशः आर और एच है। यदि प्रक्षेप की गति और क्षैतिज दिशा में हवा के कारण प्रक्षेप को ए नियत क्षैतिज त्वरण ए बराबर जी बटे छह प्रदान किया जाए तब नया क्षैतिज परास होगा। तो बाबूरे आपसे अंग्रेजी में कहते हैं रेंज पूछ रहा है। जब आपका क्षैतिज में भी त्वरण आ गया, जनरली आप पढ़ते हो क्षैतिज त्वरण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर होता है। तो ये साहब अगर हम क्षैतिज त्वरण के साथ देखें कि नया परास क्षैतिज परास क्या होगा, यानी सूत्र बैठाते हैं ये समीकरण, गति का केस बराबर यूटी धन एक बटे दो ए टी के घाते द्वे। सर ये ऐसे यानी कि मान लो क्षैतिज परास है, माना नया परास आर डैश, अरे यू क्या होता है एक्स अंश के अनुसार क्या हो जाएगा? तो जवाब है यानी कि अगर एक्स एच के अनुसार देखेंगे, क्षैतिज के अनुसार अगर ये वेग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा। ए बाबू रे टाइम तो वही लगेगा टी धन एक बटे दो, ए के जगह क्षैतिज वाला कितना है जी बटे छ और क्या टी के घाते दो। ये सब दो तीन फार्मूले आपको बताते हैं टी का सूत्र, इसमें बस हमें ऊर्ध्वाधर रफ्तार या वेग का आवश्यकता होता है। तो ये तो आता है टू यू साइन थीटा बटे जे, और जो अधिकतम ऊंचाई आता है वो क्या आता है बाबू रे? तो जवाब है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे टू जे, और आर बराबर आता है क्या यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटे में जे। ये जनरली हमने पढ़ा था जब हमारा क्षैतिज क्षैतिज त्वरण नहीं था तब। लेकिन चाहे क्षैतिज त्वरण आ भी जाए, अधिकतम ऊंचाई में और समय में जो कुल उड़ के गिरने में कोई परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन सिर्फ आएगा क्षैतिज त्वरण के नाते क्षैतिज परास में, और वही परास पूछा है। ए बाबू रे अब क्या करिएगा, आर डैश बराबर यू कॉस थीटा, समय तो अभी भी वही लगेगा, जवाब है टू यू साइन थीटा बटे जे। अच्छा सर धन एक बटे दो जी बटे छ, टी की जगह क्या लिखेगा टू यू साइन थीटा बटे जी कुल के घाते दो। बोलो समझ आ रहा है? कुछ नहीं किया सर हमने, क्या किया गति का दूसरा समीकरण बैठाया क्या एस बराबर यू टी धन हाफ ए टी स्क्वायर, अरे यू का की जगह क्या होगा सब हमने क्या क्षैतिज के अलोंग देख रहे हैं, अनुदेश में देख रहे हैं, यानी यह यू कॉस थीटा टी हो जाएगा। धन एक बटे टू ए की जगह जी के बटे छ दिया है, भर दिए टी के घाते दो आया। सर इसको अगर हम लोग हल करते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग हल करते हैं और इसको अगर चलिए ऊपर ले चलते हैं, ऊपर ले चल रहे हैं सर, ये तो ऊपर वो गया लेकिन बोर्ड नहीं गया, कोई बात नहीं इसको नीचे ही लेके आइए, नीचे ला दिया। चलिए सर एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, एक नए पेज पे देखिए क्या लिखा है, आर डैश बराबर हमने लिखा था यू कॉस थीटा टी के जगह टू यू साइन थीटा बटे जे, धन एक बटे दो ए की जगह जी बटे कितना था छे, टी के जगह टू यू साइन थीटा बटे जी के घाते दो। ए साहब आर डैश बराबर क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा और क्या यू साइन थीटा गुणे दो, तो इसको लिख लो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटे जे धन एक बटे दो जी बटे छ गुणे में कितना दुदनी चार यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अरे जी के घाते दो, एक जी से एक जी जाएगा। ए बाबू रे ये दो मारेगा चार को दो बार, दो मारेगा छ को तीन बार, यह पूरा मान ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आर की जगह लिखा यू के घाते दो साइन दो थीटा बटे जी, यानी यू स्क्वायर साइन दो थीटा बटे जी आर है, और ये भी वही चीज लिखा है, तो आर डैश बराबर लिख गया आर धन ए बेटा रे दो बटे तीन
ये क्या हो गया सर, यहाँ पे देखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे ये दो और जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दो को अलग किया, तीन को अलग किया, यहां यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे दो जी है। तो सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे दो जी को क्या कहते हैं? जवाब है वेरी गुड एच मैक्स। इन्होंने यहां उसको कहा है एच, तो बेटा रे आर डैश का मान जो नया क्षैतिज परास होगा वह आर धन दू बटे तीन एच के मान के समान होगा। आर धन दू एच बटे तीन जो कि विकल्प संख्या दूसरे में मौजूद है। बोलो समझ में आया है? अरे बोलो भैया समझ आया, बड़े आगे चलिए। सर आप कमेंट के माध्यम से भी अगर कहीं आपको डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए सर बिना देर के अगला सवाल देखिए। तो बेटा रे कह रहा है हमारे पास अभी कथन है और कारण है। कथन कह रहा एक अनंत लंबे सीधे समान रूप से आवेशित तार से प्रारंभिक दूरी से दुगनी दूरी और तय करने पर विद्युत क्षेत्र अपने प्रारंभिक मान के एक तिहाई कम हो जाती है। अच्छा ए बेटा रे कह रहा विद्युत क्षेत्र के एक अनंत लंबे सीधे समान रूप से आवेशित तार से दूरी के विक्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र का मान, आओ देखते हैं। तो E बराबर लिखते हैं एक बटे दो पाई एप्साइलन नॉट लैम्डा बटे आर। क्या बोला हमने? एक बटे दो पाई आर एप्साइलन नॉट लैम्डा बटे आर। बाबू रे अगर आर और ई का संबंध देखे तो ये कैसा हो रहा है? तो जाहिर सी बात है ये व्युत्क्रमानुपाती ही है, यानी कारण में जो स्पष्टीकरण कह रहा वो तो सही कह रहा है, लेकिन देखो कथन क्या इससे हो पा रहा है संतुष्ट, यानी उसका क्या स्पष्टीकरण हो पा रहा है इस कारण से कथन का? तो आओ कथन देखते हैं। कथन कह रहा है एक अनंत लंबे सीधे समान रूप से आवेशित तार उसके नाते विद्युत क्षेत्र निकाला, एक बटे दो पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर आता है, सही है। आर और ई का विद्युत क्षेत्र का संबंध व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी सही है। कह रहा है प्रारंभिक दूरी से दोगुनी दूरी और, पढ़िएगा ध्यान से यही गलती होता है, प्रारंभिक दूरी से दोगुनी दूरी और, यानी प्रारंभिक दूरी आर था तो वहां से दुई आर और, यानी टोटल वेरी गुड तीन आर। यानी अगर शुरू में लिखा है, शुरू में लिखा है ई बराबर वन बराबर एक बटे दो पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर, तो बाद में हो जाएगा एक बटे दो पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे बोल भैया लैम्डा बटे तीन आर। तो यानी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ई टू बराबर एक बटे तीन और यहाँ लैम्डा बटे दो पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, लैम्डा बटे दो पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले वाला कह दीजिए विद्युत क्षेत्र, यानी बाद वाला विद्युत क्षेत्र पहले वाले का तीन गुना कम हो गया। देखो पहले वाले के बटे में तीन आ गया, यानी कह रहा है कि प्रारंभिक मान के तिहाई तक कम हो जाता है। सवाल को दोबारा पढ़िए, अच्छा सवाल है। कह रहा एक अनंत लंबे सीधे समान रूप से आवेशित तार से प्रारंभिक दूरी से दुगनी दूरी तय करने पर विद्युत क्षेत्र अपने प्रारंभिक मान से एक तिहाई कम हो जाती है, यानी बाद का विद्युत क्षेत्र प्रारंभिक का बटे तीन हो जाएगा, ऐसा कथन कह रहा है। तो आइए कारण से पूछे, कारण तुम क्या कह रहे हो? तो कारण कह रहा है विद्युत क्षेत्र एक अनंत लंबे सीधे समान रूप के आवेशित तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र बैठाया तो अनंत लंबे सीधे समान रूप से आवेशित तार का जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र आया आर दूरी के लिए, वह एक बटे दो पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर कहिए या लैम्डा बटे दो पाई एप्सिलॉन नॉट आर कहिए, यानी ई का संबंध आर से व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ऐसा है तो पहली वाली बात में यानी ई वन का मान लैम्डा बटे दो पाई एप्सिलॉन नॉट आर हुआ, अरे ई टू उससे दो और आगे यानी टोटल तीन आर की चर्चा कर रहा है, तो लैम्डा बटे दो पाई एप्सिलॉन नॉट तीन आर कर दिया,
तो E2 जो है वो E1 के भागा 3 आया। प्रकथन भी सही है, कह सकते हैं कथन भी सही है, और कारण उसका सही उत्तर दे रहा है, स्पष्टीकरण कह रहा है, इस लिहाज से कथन कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन या कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, इस लिहाज से इस सवाल का उत्तर पहला वाला होगा। बोलो क्लियर है? अरे बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा जाता है तो पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स फाई होता है, यानी फाई बराबर आवेश जो क्या है बंद पृष्ठ में है बटे एप्सिलॉन नॉट। पहली दफा जो आवेश क्या है, बोलो साहब, पहली दफा जो फ्लक्स की बात हो रही है तो वहां पे कितना आवेश है, 10 माइक्रोकुलाम बटे एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है यदि 50 माइक्रोकुलाम आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर 10 माइक्रोकुलाम के साथ रखा जाता है तो बताइए फ्लक्स फाई डैश हो जाता है, तो फाई डैश बराबर 10 माइक्रोकुलाम पहले से था, 50 और रख दिए बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई डैश तो 60 माइक्रोकुलाम बटे क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो भैया रे फाई डैश माइनस फाई का मान पूछा है, यानी कि आप कहोगे 60 माइक्रोकुलाम बटे एप्सिलॉन नॉट में से 10 माइक्रोकुलाम बटे एप्सिलॉन नॉट घटाइए, सर ये 50 माइक्रोकुलाम बटे एप्सिलॉन नॉट हुआ, यानी 5 गुणे कितना 10 माइक्रोकुलाम बटे एप्सिलॉन नॉट। बाबू रे 10 माइक्रोकुलाम बटे एप्सिलॉन नॉट फाई है, अर्थात 5 गुणे फाई इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि विकल्प संख्या दूसरे में मौजूद है। बोलो क्लियर है? एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आगे बढ़ा जाए। देखिए साहब, बड़े आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। कह रहा है एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि वह अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंच जाए, ऊंचाई h बटे 5 पर इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। माना कुछ ऐसा कि धरातल पर गुरुत्वीय ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा की बात कह रहा है, वह कितना है शून्य मान के करिए। माना कण को फेंका गया, ऊपर गया, फिर धरातल पे आया, जब अधिकतम ऊंचाई पे गया तो वेग शून्य हो गया, परिणाम स्वरूप जो गतिज ऊर्जा है वह भी शून्य है, लेकिन पूरे प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा जो है संरक्षित है, यानी टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी धन पोटेंशियल एनर्जी, कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के क्या कुल योग के बराबर ही होगा किसी भी क्षण पे। तो माना कुछ ऐसा, अधिकतम ऊंचाई जब v का मान शून्य था, गतिज ऊर्जा शून्य हो गया, तो भैया रे कुल ऊर्जा का क्या मान निकल के आएगा, स्थितिज ऊर्जा के मान के बराबर। माना कुछ ऐसा कि अगर h ऊंचाई जाता है कुल, तो कुल कितना हो जाएगा mg गुणे h, क्या बोलते हैं आप, स्थितिज ऊर्जा का मान h ऊंचाई के लिए धरातल से mg गुणे h, यानी कुल ऊर्जा अगर mg h आया h ऊंचाई पे, या कुल ऊर्जा किसी भी समय संरक्षित है तो mg h आया, तो आप पाइएगा जब हम बात करें h बटे 5 ऊंचाई पर, क्या बोला h बटे 5 ऊंचाई पर, बेटा रे कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मान mg h लिखा था, गतिज ऊर्जा अब आएगा सर वही तो निकालना है, धन स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा h ऊंचाई पे mg h था, तो h बटे 5 पे mg h बटे 5 हो जाएगा, यानी mg h में से mg h बटे 5 घटाइएगा तो गतिज ऊर्जा आएगा, या 5 एकम 5 में से 1 जाएगा तो गतिज ऊर्जा का मान 4 mgh बटे 5 आएगा। ए साहब,
कह रहा है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताओ। गतिज ऊर्जा 4 MgH/5 आया, स्थितिज ऊर्जा कितना आएगा MgH/5। बाबूले 5 5 कटा, MgH कटा, यह मान 4 संबंधे 1 आएगा, जो कि विकल्प चौथा में ध्यान से देखिए मौजूद है। एक बार फिर से समझिएगा, पहले हमने क्या किया, ऊर्जा को संरक्षित किया और कुल ऊर्जा का मान निकाला। कैसे ऊर्जा का मान आ गया कुल ऊर्जा का? सर माना जब भी यह पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो अधिकतम ऊंचाई वहीं तक जाएगा जब इसका वेग क्या ऊर्ध्वाधर वाला शून्य हो जाए, अर्थात गतिज ऊर्जा उस क्षण पे शून्य हो जाएगा। तो कुल ऊर्जा अगर क्या है, गतिज ऊर्जा प्लस किसके, स्थितिज ऊर्जा के समान है, तो जैसे ही गतिज को शून्य किया अधिकतम एच ऊंचाई पे, तो स्थितिज का मान तो एमजीएच है, तो कुल ऊर्जा का मान भी एमजीएच है। यानी किसी भी क्षण पे, किसी भी क्षण पे कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगा सर, एमजीएच ही रहेगा। माना हमने ऊंचाई एच बटे पांच पे आकलन किया, तो कुल ऊर्जा बराबर एक बार पुनः गतिज ऊर्जा पर प्लस स्थितिज ऊर्जा, और गतिज पूछा है कुल एमजीएच अभी निकाले हो, अगर एच बटे पांच ऊंचाई पे स्थितिज पूछोगे तो एमजीएच बटे पांच आएगा। हल करने पे गतिज का मान आया 4/5 एमजीएच। ये साहब अनुपात पूछा था, रेशियो किसका किसका, गतिज बटे स्थितिज, यानी गतिज बटे स्थितिज कीजिएगा तो 4 MgH/5 भागा में एमजीएच बटे पांच, 5 5 कटा एमजीएच एमजीएच कटा, तो अनुपात 4 संबंधे 1 का आएगा। बोलो स्पष्ट हो गया, बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए, जब दो तार पार्श्व में संयोजित होते हैं तो उनका प्रभावी प्रतिरोध, यानी अंग्रेजी में कहते हैं आर पैरेलल, उसका क्या प्रभावी प्रतिरोध 4/5 है, और दो के लिए लिखते हैं R1 × R2 भागा में क्या साहब R1 + R2। तो बेटा रे कह रहा है जब कोई एक तार टूट जाए, यानी किसी एक का मान दे रहा है और हटा दिया जाए, तो प्रभावी प्रतिरोध, यानी दो था एक हट गया तो एक ही बचा है, तो एक का प्रतिरोध कितना, 1 ओम दे दिया, यानी R1 R2 में से किसी एक का मान 1 ओम दे दिया, यानी कि 4/5 बराबर 1 × R2 भागा में क्या 1 ÷ R2। ये बेटा रे त्रिज्य गुणा करिए तो यह तो 4 ÷ 4 R2 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा सर, बराबर 5 R2। ए बाबू रे 5 R2 में से 4 R2 जाएगा तो R2 का मान 4 ओम आएगा। तो कह रहा टूटे तार का प्रतिरोध बड़ा ही सरल है, तो अभी अभी निकाला आपने 4 ओम होना चाहिए। बड़ा ही सरल सवाल था सर, कोई समस्या ध्यान से देख लीजिए, बढ़े आगे। कोई समस्या होगा कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। चलिए सर, दिखाए गए चित्र में सी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, यानी यहां पे चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, तो इसके नाते और इसके नाते जो होगा वह विपरीत दिशा में होगा और उनका मान समान होगा, तभी तो क्या बोलते हैं शून्य हो रहा है। तो सर तार में धारा बी से होकर गुजरती है, मान लीजिए इसमें सवाल अगर पढ़िएगा ध्यान पूर्वक, तो बी में जो धारा जा रही है माना वो आई बी, हमें वही पूछा है ए में जाने वाली धारा क्या है, अगर तार में धारा नीचे की ओर आई है, यह सवाल अगर आप क्वेश्चन पेपर में पढ़िएगा तो स्पष्ट लिखा है कि ए वाले में अगर आई है धारा तो बी वाले में क्या होगा और किस दिशा में होगा बताना है। कब, जब सी पे आपका कह रहा चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, तो ए बाबू रे सी पे चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए, यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र सी पे शून्य है, तो चुंबकीय क्षेत्र ए के नाते का मान चुंबकीय क्षेत्र बी के बराबर होगा। आप कह सकते हैं म्यू नॉट, माना ए वाले पे आई करंट जा रहा है, भागा 2π, दूरी कितना है 4, बराबर म्यू नॉट, माना इसमें बी के नाते क्या आई बी करंट जा रहा, वही तो निकालना है।
बाबू रे और क्या, बटे में दो पाई क्या लिखिएगा, दूरी छे, ए साहब दो पाई गया, दो मारेगा दो बार, दो मारेगा तीन बार, म्यू नाट कट गया, तो आई बी का मान जो आएगा वह तीन बटे दो क्या आएगा, तीन बटे दो आई आएगा, लेकिन बताइए सर किसकी दिशा में, तो जिसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। अब ए वाले का ज्यादा है कि बी वाले का, ए वाले के नाते कुल परिमाण आया म्यूनाट आई बटे आठ पाई, और बी वाले के नाते आया म्यूनाट जो भी आई है बटे कितना, बोलो साहब इसके नाते कितना हो जाएगा, बारह पाई, तो ये वाला ज्यादा है इसके अलोंग होगा, तो ये वाला किधर है, अंदर की तरफ यानी नीचे की ओर बता रहे हैं इस सवाल में, तो यानी जो हमारा आई बी का दिशा होगा वह तीन बटे दो आई तो होगा ही होगा, किस तरफ होगा सर, नीचे के तरफ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। बोलिए बढ़े आगे, एक बार देख लीजिए नहीं दोबारा समझाया जाए। कहा गया अगर सी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र शून्य है तो बताइए आप बी के जो अलोंग धारा है उसका मान बताइए ए वाले के सापेक्ष में, यही कुल मिला के क्वेश्चन का भाव निकल रहा है जो हमसे आपसे पूछ रहा है। तो हमने ऐसा माना अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र शून्य है तो दोनों के नाते जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान समान लिख दिया, विपरीत दिशा में लिख दिया, अरे तभी तो कुल का जोड़ करेंगे तो शून्य आएगा, यानी म्यूनाट आई बटे दो पाई गुणे चार बराबर म्यूनाट आई बी बटे दो पाई गुणे छह कर दिया, तो आई बी का जो मान आया तीन बटे दो आई वन वाला पहला वाला आ गया, माना ए वाले में धारा जा रहा है आई, बोलो क्लियर हो गया। नीचे की तरफ इसलिए क्योंकि ए वाले का जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो ज्यादा है, बोलो भैया क्लियर हो गया। बड़े आगे चलिए सर, 20 मीटर गहरी नदी की सतह पर पानी 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से प्रवाहित होता देखा जा रहा है जाता है, नदी की क्षैतिज परतों के बीच अपरूपण प्रतिबल भर यानी प्रतिबल बल की बात करें किसकी, अपरूपण की यानी शियर स्ट्रेस के, तो क्या सूत्र होता है सर, शियर स्ट्रेस का क्या सूत्र पढ़ा है हमने आपने, तो जवाब है बेटा रे ये हो जाएगा आपका ईटा डेल्टा वी बटे डेल्टा वाई। बाबू रे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईटा का मान 10 के घात ऋण 3 है गुणे डेल्टा वी यानी कि वेलोसिटी कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड है बटे डेल्टा वाई यानी 20 मीटर नीचे अर्थात 20 हो गया, यानी अगर ध्यान से देखिएगा तो ये तो 2 आएगा, तो 1 बटे 2 को 10.5 कहिए और गुणे 10 के घाते माइनस 3 कहिए, तो आपका अपरूपण प्रतिबल का मान 10.5 गुणे 10 के घाते माइनस 3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, जो कि एक क्या है शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी प्रेशर वाला दाब वाला ही इसका इकाई होगा, यूनिट होगा, मात्रक होगा, बोलो क्लियर है, देख लो ध्यान से एकदम सूत्र पे आधारित है, ये तो बहुत ही सरल सवाल है, क्या कि टाऊ बराबर आपको पढ़ाया गया होगा ईटा और क्या बाबू रे डेल्टा वी बटे डेल्टा वाई, वी क्या यहाँ जो भी जितने गति से चल रहा है पानी और कितने नीचे देख रहे ऊंचाई ऊंचाई जो भी है वो लिख दिया, भागा में गुणे ईटा से क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो आपका अपरूपण प्रतिबल प्राप्त हो गया। बढ़े आगे, बोलो साहब बढ़े आगे चलिए, किसी ग्रह की सतह पर 2 किलोग्राम के पिंड की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है, ऋण जी एम जो भी पिंड होगा उसका द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान बटे आर, इसका मान -64 दे रहा है, बेटा रे माइनस माइनस कट गया, इस एम के जगह 2 किलो भर देना है, यानी जी एम गुणे 2 बटे आर बराबर 64 यानी 2 मारेगा 32 बार, तो जी एम बटे आर का मान कितना आएगा सर, जवाब है 32, कितना आएगा 32, अच्छी बात है सर, कह रहा है तो सतह से पिंड का पलायन वेग, ए बाबू रे पलायन वेग अंग्रेजी में स्केप वेलोसिटी कहते हैं, सूत्र होता है करड़ी में, क्या बोलो साहब, तो जवाब है 2,
जी कैपिटल एम बटे आर यानी करड़ी में दो गुड़े जी कैपिटल एम बटे आर का मान कितना निकाले हो अभी अभी 32 यानी करड़ी में अगर ये यानी कि पलायन वेग का मान करड़ी में 64 है तो करड़ी के बाहर तो आएगा सर 8 मीटर प्रति सेकेंड जो कि विकल्प संख्या पहले में मौजूद है। ध्यान से देखिए सारे सवाल बहुत सरल है, सूत्र पे आधारित है, जैसा कि 15-20 सवाल नीट में आता है ना, एकदम सूत्र पे ही बैठाइए, फॉर्मूला बेस्ड। चलिए सर बढ़ते हैं आगे। यंग के डबल स्लेट द्विझिरी प्रयोग में T1 यानी पहले की मोटाई कितनी है स्लेट की 1.5 मिलीमीटर, कह रहा मोटाई का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी दिया गया है वह कितना दिया गया है 1.8 दिया गया है, का एक स्लैब स्लिट के सामने रखा जाता है तथा T2 इसके बारे में अभी नहीं चर्चा कह रहा है, अपवर्तनांक यानी μ2 का मान दिया गया है 3.5। ठीक है सर यहां तक डाटा सही है, वाला एक दूसरा स्लैब दूसरी स्लिट के सामने रखा जाता है, यदि केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति अपरिवर्तित रहती है तो मोटाई T2 क्या होगा, यानी T2 ही पूछा है सर। बस आपके लिए विशेष बात यह कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज जो है उसकी स्थिति जो है अपरिवर्तित रहती है, यानी पथांतर की बात करें तो पथांतर यानी डेल्टा एक्स का मान 0 होगा, तो आप कह सकते हो कि μ1 ऋण 1 T1 का मान μ2 ऋण 1 T2 के समान होगा। T2 चाहिए साहब तो μ1 ऋण 1 और क्या भागा μ2 ऋण 1, अरे गुड़े में क्या करिए T1 यानी T2 बराबर μ1 की जगह 1.5 ऋण 1 भागा μ2 - 1 यानी कि 3.5 ऋण 1। अरे सर गुड़े में T1 कितना है बोलो साहब, T1 कितना है, सॉरी ये गलती भरा गया, μ1 का मान 1.8 है, हमने T1 भर दिया μ1 की जगह, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर क्या निकल के आ रहा है, तो जवाब है T2 बराबर μ1 की जगह 1.8 ऋण 1 और क्या भागा हो जाएगा 3.5 ऋण 1 गुणे में कितना साहब, T1 की जगह 1.5, ये कितना रहा है सर, ऊपर तो 0.8 है गुणे 1.5 भागा नीचे कितना हो गया 2.5, 8 × 12 यानी कि 1.2/2.5 12/25। ये सब 12/25 को हल कर लीजिए, यह 0.48 के बराबर आएगा, यानी 0.48 मिलीमीटर विकल्प संख्या पहले में मौजूद है। ऐसा कैसे हो पा रहा है सर, कह रहा है आपको T1 दिया T2 पता करना है, μ1 दिया μ2 दिया, कह रहा है कि अगर मान लीजिए केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति अपरिवर्तित रहती है तो पथांतर 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यानी डेल्टा एक्स का मान 0 हुआ तो μ1 ऋण 1 × T1 का मान μ2 ऋण 1 × T2 के समान होगा, तो यहां से T2 क्या है हमें पता करना है। बोलो भैया क्लियर हो गया, बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोग्राम की एक आदर्श गैस की 30 किलो जूल कार्य करती है और 2 उष्मागति की अवस्थाओं के बीच प्रसारित होने पर 16 किलो जूल उष्मा प्राप्त करता है, समान प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच दूसरे प्रकार का प्रसार प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए 18 किलो जूल के उष्मा इनपुट आगत की आवश्यकता होती है, प्रसार की दूसरी स्थिति में गैस द्वारा कृत कार्य होगा। ए साहब बड़ा ही शानदार बात बताते हैं, यानी माना कि ए से बी जाना है, ठीक है साहब, यानी कि कितना उष्मा लिया जा रहा है, क्यू का मान बताओ पहले वाले केस में 16 किलो जूल। अच्छा अब बेटा रे अगर क्यू का मान 16 किलो जूल है,
क्यू का मान 16 किलो जूल है तो डब्लू का मान क्या होगा, तो दे रखा है 30 किलो जूल। ए साहब डब्लू के साथ चिन्ह लगाने में डर लगता है, तो डब्लू बराबर पी डेल्टा वी होता है, यानी कि पी, अरे वी का फाइनल वाला ऋण, वी का इनिशियल वाला, बाद का क्या वॉल्यूम, ऋण पहले का वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब अगर वी फाइनल ज्यादा है वी इनिशियल से, अगर मान लो क्या होता है बोलो साहब, मतलब ये एक्सपेंड कर रहा है, अगर एक्सपेंड कर रहा है तो कार्य जो होगा अगर वी फाइनल वी इनिशियल से ज्यादा है तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव। तो ये साहब यह तो डब्लू का मान 30 किलो जूल है, सूत्र क्या कहता है सर, क्यू बराबर बोलो साहब डेल्टा यू प्लस डब्लू, क्यू का मान 16 बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू का मान 30। ए बेटा रे डेल्टा यू का मान कितना निकल गया, -14 किलो जूल, क्या निकल गया, -14 किलो जूल। अंग्रेजी में कहा जाता है कि डेल्टा यू जो है वह पाथ नहीं स्टेट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है स्टेट, यानी दूसरा अगर पाथ दूसरा आपने परिपथ चुना तो आप पाइएगा क्या पाइएगा कि यानी दोबारा अगर ऐसे भी जाते हैं तो दोबारा के लिए भी डेल्टा यू का मान वही रहेगा, क्योंकि यह पाथ पे डिपेंड न करके स्टेट पे डिपेंड करता है। अच्छा साहब दूसरे स्थिति में क्यू का मान तो आपको 18 जूल दिया है, डब्लू पूछा है, डेल्टा यू सर वही रहेगा, तो आप कहिएगा डेल्टा यू का मान -14 किलो जूल है। सर यही सूत्र बैठा दीजिए फिर से कि क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू, क्यू का मान इस दफा 18 है, डेल्टा यू सर -14 है, देन डब्लू 18 इधर आएगा तो डब्लू का मान -14 इधर आके धन 14 हो गया, 32 किलो जूल हो जाएगा, जो कि विकल्प संख्या पहले में मौजूद है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, बढ़े आगे, बोलो भैया बढ़ जाए मास्टर आगे, चलिए सर बहुत बढ़िया। द्वितीय बोहर कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, द्वितीय बोहर कक्ष में। ए बाबू रे अगर हम चर्चा करें कुल ऊर्जा के बारे में तो इसका परिमाण और गतिज ऊर्जा का परिमाण समान होता है, बस चिन्ह अलग होता है, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होते हैं गतिज ऊर्जा धनात्मक होता है, लेकिन सूत्र तो वही लिखिएगा सर, अगर कुल ऊर्जा लिखिएगा तो -13.6, लेकिन गतिज ऊर्जा का नाम लेंगे तो धन हो जाएगा, ऋण नहीं आएगा, जेट के घाते 2/n के घाते 2। ए साहब हाइड्रोजन परमाणु की चर्चा हो रही है और गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं तो 13.6 लेंगे, हाइड्रोजन के लिए 1/2 बटे कौन से कक्षा की बात हो रही, द्वितीय यानी 2/2। बाबू रे 13.6 भागा में 4 यानी ये आएगा 3.4, ये सारी ऊर्जाएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, यानी इसका मान 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर 3.4 ऋण में कहता कि ये क्या है तो जवाब होगा कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी की बात करें तो वो ऋण में 3.4 आएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा धनात्मक होता है। बातें क्लियर है, बढ़ जाए मास्टर आगे, ध्यान पूर्वक देखिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए सर अगला देखते हैं, वायु में ध्वनि तरंग का वेग यानी v का मान 330 मीटर प्रति सेकंड है, l का मान 0.55 मीटर है, क्या एक आर्गन पाइप है, अच्छी बात है, आवृत्ति, आवृत्ति बताना है यानी कि फ्रीक्वेंसी। अच्छा साहब जो दोनों सिरों पे खुला है, ये साहब दोनों सिरों पे खुला है तो सूत्र क्या होता है, v बटे 2l
अरे बोलो साहब, एक ऐसा आर्गन पाइप जो दोनों सिरों से खिला है, तो वी बटे दुई एल होता है आवृत्ति का सूत्र। वी की जगह 330 बटे दुई गुणे एल का मान 10.55। हमने कहा ना, लगभग 15 से 20 सवाल नीट में एकदम सटीक फार्मूला बेस जाते हैं, यानी इसको हल करिए या लगभग 300 हर्ट्स आएगा या प्रति सेकेंड, जो कि विकल्प संख्या तीसरे में स्पष्ट कर रहा है या मौजूद है। बोलो क्लियर है, बड़े मास्टर आगे। चलिए सर, चलिए तो आइए अब हम लोग देखते हैं 42 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर, गैस के विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात गामा और गैस की स्वतंत्र कोटि एफ के बीच संबंध होगा। स्वतंत्र कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या गामा में संबंध है? तो गामा बराबर आपने पढ़ा होगा सीपी भागा सीवी, और आपने पढ़ा होगा सीपी ऋण सीवी बराबर आर। तो बेटा रे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीवी धन आर। तो ध्यान से देखिएगा तो पाइएगा गामा बराबर सीवी धन आर बटे सीवी। ए बेटा रे, सीवी की जगह क्या लिख सकते हैं? स्वतंत्र कोटि आर भागा द्वे धन आर भागा में सीवी की जगह पुनः स्वतंत्र कोटि एफ आर भागा द्वे। साहब आर को अगर हम कॉमन ले लें तो एफ भागा द्वे धन एक, और यहां हो जाएगा आर एफ भागा द्वे। बेटा ये कट जाएगा, आगे ये हो जाएगा एफ धन द्वे बटे द्वे कुल बटे एफ बटे द्वे, दो दे खत्म हो गया। तो गामा बराबर निकल के आएगा एफ धन द्वे बटे एफ, तिरेज गुड़ा कर दीजिए तो ये हो जाएगा गामा एफ बराबर एफ धन द्वे। एफ को भी इधर लाइए तो यानी ये क्या होने वाला है बताइए साहब? गामा एफ ऋण एफ बराबर द्वे। तो साहब एफ कॉमन ले लीजिए, एफ कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? गामा ऋण एक बराबर द्वे। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा सर? दुई बटे गामा ऋण एक। क्या हो जाएगा फिर से देखिए, एफ बराबर क्या होने वाला है? एफ बराबर द्वे, ये भाग में जाएगा गामा ऋण एक, यानी एफ बराबर दुई बटे गामा ऋण एक विकल्प संख्या तीसरे में मौजूद है। बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर अगला देख लेते हैं। एक मीटर एल मीटर लंबाई की एक पतले तांबे के तार को 20 डिग्री तक गर्म किया जाता है, और करने पर लंबाई 1.5% बढ़ जाती है। जब एल मीटर भुजा की एक वर्गाकार तांबे की सीट को 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस आप प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत वृद्धि के केस देखेंगे। तो क्षेत्रफल की चर्चा करें तो कहते हैं कि एरिया का जो अनुपात होता है वह एल के घाते 2 से होता है, यानी अंग्रेजी में कहते हैं परसेंटेज एरर, यानी प्रतिशत त्रुटि जो एरिया में आएगा क्षेत्रफल में वह 2 गुणे प्रतिशत त्रुटि लंबाई के बराबर होगा। यानी क्षेत्रफल में जो प्रतिशत क्या बढ़ोतरी या त्रुटि जो भी कहले आया है वह 2 गुणे लंबाई का कितना आया है? 1.5, अर्थात वह 3% का आएगा, जो कि पुनः विकल्प संख्या पहले में मौजूद है। बोलो साहब कहानी क्लियर है? बड़े मास्टर आगे। चलिए सर अगला देख लेते हैं। कह रहा एक रस्सी एक खुरदुरे मेज पर इस प्रकार रखी गई है कि उसका एक भाग मेज से नीचे लटक रहा है। जब लटकने वाले हिस्से की लंबाई रस्सी की पूरी लंबाई के 1/5 के बराबर हो जाती है तो वह बस फिसलना शुरू कर देता है। रस्सी और मेज के बीच का घर्षण गुणांक है, बताइए। चलिए बेटा ये बहुत सरल सवाल है, इसको हम लोग रस्सी न मान करके एक क्या माने, गुटका माने, ब्लॉक माने। जो लटक रहा है वो 1/5 नहीं, माना m/5 का द्रव्यमान का है, और जो यहाँ पे कुल रस्सी का मान लीजिए द्रव्यमान m है, तो m में से m/5 लटक रहा है, तो m में से m/5 लटक रहा है तो ये तो 4m/5 होगा, यानी कि मेज पे 4m/5 रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा mg के रूप में, mg/5, तनाव रस्सी में आएगा mg/5,
वही तनाव इसको आगे खींचेगा mg भागा 5। अरे विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा जिसका परिमाण होगा म्यू गुणे एन। अच्छा सर प्रतिक्रिया के बराबर म्यू गुणे प्रतिक्रिया, और ये फ्रिक्शन जो म्यू इंटू एन है वह किसके बराबर होगा? जवाब है mg बटे 5 के। तो यानी म्यू एन की जगह कितना हो जाएगा? एन ऊपर लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? 4 mg भागा में 5, यानी एन के जगह 4 mg भागा में 5 बराबर mg भागा में 5। 5 कट गया, mg कट गया, तो यहां से म्यू का मान आएगा 1/4। क्या आएगा? 1/4। तो सर म्यू का मान ही पूछा है, घर्षण गुणांक पूछा है जो कि विकल्प संख्या पहले में मौजूद है। ऐसे जो सिकड़ी के रस्सी के सवाल आए, चेन या रूप के, ऐसे सवालों में हमें उसको ब्लॉक यानी गुटका मान के करेंगे तो बहुत ही सरलता से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। बढ़ा जाए आगे, जल्दी से देख लीजिए सर। एक कण क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, एक निश्चित क्षण पर कण का नित त्वरण और रेखिक संवेग क्रमशः, यानी मान लो भाई बेटा रे कि आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है यानी वृत्ति गति चल रही है, किसी एक क्षण पे हमने देखा, किसी एक क्षण पे देखा कि वेग की दिशा ये है। अगर ये वेग की दिशा है तो आप कह सकते हो संवेग यानी कि मोमेंटम की भी दिशा यही होगी। बोलो बातें क्लियर है? जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में संवेग होगा, यानी आप पाइएगा कि यहां पे त्वरण दो तरह के पाए जाते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल। ए बेटा रे, अगर सेंट्रीपेटल त्वरण की बात करेंगे तो वह सेंटर की तरफ लगेगा, और अगर मान लो टेंजेंशियल की बात करेंगे कि तो अगर वेग के दिशा में जाएगा, वेग के दिशा में जाएगा तो कुल त्वरण जो होगा वह क्या होगा? एक्यूट एंगल बनाएगा, यानी उसका कोण जो होगा, कुल त्वरण का कोण संवेग के कोण से, वेग के कोण से 90° से कम आएगा, अर्थात दोनों का अधिस गुणनफल धनात्मक आएगा। ये कहिएगा कि वह त्वरित वृत्ति गति है। क्या बोलिएगा? त्वरित वृत्ति गति है। फिर से सुनिएगा, यानी कि अगर वृत्ति गति के केस में देखें तो किसी क्षण पे वेग के दिशा के ही अनुरूप संवेग की दिशा होती है। त्वरण दो देखने को मिलता है, एक हमारा सेंट्रीपेटल वाला, एक हमारा टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल अगर वेग की दिशा में ही है तो यानी टेंजेंशियल और सेंट्रीपेटल में का नेट जो आएगा बीचों बीच आएगा। अब बेटा ये कोण जो बन रहा है किसके बीच का? जे त्वरण और वेग के बीच का, अगर ये 90 से कम आया, अर्थात जिधर ही क्या वेग है उधर ही क्या है त्वरण है, तो यह क्या है? त्वरित वृत्ति गति है। लेकिन अगर त्वरण पीछे हो जाएगा, यानी त्वरण जो है टेंजेंशियल वाला पीछे हो गया, तो आप पाइएगा यह तो सेंट्रीपेटल इधर ही लगेगा, ये कौन सा हो गया? टेंजेंशियल। तो इन दोनों का नेट कहीं इधर आएगा, वेग इधर है त्वरण इधर है, कोण 90 से ज्यादा हो गया, तो यह मंदित वृत्ति गति हो जाएगा। अर्थात आप पाइएगा कि आइए चेक करते हैं त्वरण के और संवेग के बीच का कोण क्या है। तो कोण निकालने का सूत्र होता है ए सदिश गुणे अधिस गुणनफल बी ए बराबर ए बी का मैग्नीट्यूड और क्या कास दोनों के बीच का कोण। तो कास दोनों के बीच का कोण बराबर ए बी का अधिस गुणनफल बटे ए बी का परिमाण। बेटा रे, तो यानी ए माना ये एक्सीलरेशन, बी माना बोले तो मोमेंटम यानी संवेग, तो यानी कि कितना आएगा कास थीटा बराबर? जवाब है 4i 8 चौके 32। अच्छा सर, 2 और 5 माइनस में -10,
पांच दूनी दस, अब बटे में कितना, ए का मैग्नीट्यूड चार दो का कितना होता है, कड़ी में चार के घाते दो, दंदो के घाते दो, यानी 16 चार कड़ी में 20, यहाँ क्या हो जाएगा सर, कड़ी में आठ के घाते दो, दन पांच के घाते दो, 18 64 25 कितना हो जाएगा, बोलो साहब 64 25 60 20 कितना, 80, 5 4 9 8 9, बोलो कहानी क्लियर है, यानी बटे में कितना आएगा, कड़ी में 20 गुणे कड़ी में 89, cos थीटा का मान 22 बटे कड़ी में 20 गुणे 89, ए बेटा रे या cos थीटा का मान शून्य से ज्यादा है, अर्थात जब cos थीटा का मान शून्य से ज्यादा है तो थीटा का मान क्या होगा, बोलो साहब 0 से ज्यादा, थीटा का मान 0 से ज्यादा, 0 के बराबर या ज्यादा से लेकर के 90 से कम होगा, 90 से कम होगा तो यह त्वरित वृत्ति गति होगा। कैसा होगा, त्वरित, क्यों, क्योंकि त्वरित होने के लिए या जो क्या हमने बोला टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यानी जो वेग की दिशा में एक्सीलरेशन आ रहा है आएगा, तब कुल त्वरण, कुल त्वरण और वेग के बीच में थीटा कोण बन जाएगा और वह थीटा कोण 90 से कम होगा, तब जाके यहां त्वरित वृत्तीय गति देखने को मिलेगा। बोलो स्पष्ट हो गया, बढ़ जाए मास्टर आगे, कमेंट में पूछिएगा अगर नहीं आएगा। चलिए सर अगला देखिए, यदि निकाय को मुक्त किया जाता है तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र के त्वरण, यानी द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन पूछ रहा है, का परिमाण होगा। अच्छा घिरनी कैसी है, स्थिर है और घर्षणहीन है। चलिए साहब पहले इन दोनों गुटकों का त्वरण निकालते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में भारी वाला नीचे आएगा हल्का ऊपर जाएगा, अरे डोरी टूटे ना इसलिए त्वरण समान होगा, तो गुटकों का समान त्वरण बराबर बड़ा द्रव्यमान 5m ऋण छोटा द्रव्यमान 3m बटे कुल द्रव्यमान 5m धन 3m और गुणे में कितना जी, तो भैया रे ए बराबर आ गया 2g/8 यानी g/4, ये गुटकों का स्वतंत्र रूप से जो त्वरण आया है वो g/4 है। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, पहला विकल्प देख के पूछा है द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का मान यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़े होगे क्या बेटा, m1 क्या पढ़े हो, a1 धन m2 a2 भागा m1 धन m2। ए बेटा रे माना ये a1 से नीचे आया तो ये a2 से ऊपर गया, एक दिशा को धन ले लो तो एक को ऋण लोगे, माना नीचे धन ऊपर ऋण लिया तो m1 की जगह 5m, ए बोले तो g/4 ऋण, क्यों ऋण लगाए सर, ए टू ऊपर जा रहा है, एक निगेटिव पॉजिटिव लिए नीचे तो ऊपर निगेटिव लेंगे और m2 के जगह 3m g/4 भागा में 5m धन 3m, ए बाबू रे कितना आएगा, तो यानी कि ये 5m g/4 और 3m g/4 तो आएगा 2m g/4, अरे बोलो भैया कितना आएगा, 5m g/4 और 3m g/4 तो ये कितना आने वाला है, तो जवाब है नीचे 4 4 लसप समान है तो 2mg/4 भागा में कितना बोलो भैया 8m, mm कट जाएगा, यहां पे कितना आएगा 2 और 2 नीचे आ गया तो यह g/16 आएगा, कितना आएगा, जवाब है g/16, तो विकल्प संख्या दूसरा होगा। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण पूछा है ना कि दोनों अलग अलग द्रव्यमानों का, बोलो समझ में आया, बढ़ जाए मास्टर आगे, कोई समस्या। चलिए सर, कांच की स्लैब में एक वायु का बुलबुला म्यू का मान क्या है, बोलो साहब 1.5, जब लंबवत रूप से एक तरफ से देखा जाता है तो 6 सेंटीमीटर प्रतीत होता है और जब दूसरी तरफ से देखा जाता है तो 4 सेंटीमीटर प्रतीत होता है, तो स्लैब की मोटाई, ये बाटू बाबू रे ये मान लो बुलबुला हो गया, अच्छा साहब ये म्यू का मान कितना ले ले, कांच का बुलबुला है यानी कि 1.5, अच्छा साहब यहाँ पे कहीं पे माना ये हमारा क्या है, कोई बिंदु है जिसको इधर से देखेंगे तो प्रतीत होता है, यानी ये जो डी अपेरेंट कहते हैं प्रतीत हो रहा है वह कितना हो रहा है 6
और इधर से कितना प्रतीत हो रहा है, एक बार इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं तो छह यह बिंदु प्रतीत होती है, और जब इधर से देखेंगे तो यह बिंदु चार प्रतीत होगी, छह सेंटीमीटर और चार। बेटा रे हमने पढ़ा है जब हम रेयरर से डेंसर देखते हैं यानी हवा से पानी में देखेंगे तो वस्तु ऊपर दिखाई देती है, पेंसिल पानी में टेढ़ा दिखाई देगा, बाल्टी में सिक्का ऊपर दिखाई देगा, स्विमिंग पूल का सतह ऊपर दिखाई देता है, वास्तविकता में ज्यादा है पर प्रतीत वेरी गुड कम होता है। तो प्रतीत कम हो गया, वास्तविकता में ज्यादा है, तो इधर वाले का वास्तविकता माना एक्स दूरी है, इधर का वाई है, तो एक्स का मान क्या है वास्तविकता में प्रतीत हुआ कम गुणे जितना भी इसका मान लो क्या है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो इधर से वास्तविक दूरी x का मान आया 9 सेंटीमीटर और इधर से y का मान क्या आएगा 4 गुणे कितना है म्यू का मान 1.5 अर्थात 6 सेंटीमीटर। तो दोनों सिरे से जो इसका डायमीटर होगा यानी कुल मोटाई जो होगी वो x धन y है, वह 9 धन 6 अर्थात 15 सेंटीमीटर है, जो कि विकल्प संख्या तीसरे में मौजूद है। बोलो क्लियर है, बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर, द्विपरमाणु आदर्श गैस यानी डाई एटॉमिक गैस की चर्चा हो रही है के लिए गैस के निरपेक्ष दाब और ताप के बीच संबंध को पी संबंध टी के घाते सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। अच्छी बात है साहब, उसके बाद क्या कहना चाहते हैं सर? तो सी का मान हमें आपको बताना है। ए बेटा रे अगर ध्यान से देखेंगे ना, रोधोष्म प्रक्रम के लिए बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बात करें, तो आप पाइएगा पी एक ऋण गामा, क्या बोला हमने, पी एक ऋण गामा घाते में और टी के पावर घाते में गामा जो है वो क्या होगा, क्या संरक्षित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर यहां पे क्या नियतांक आ गया तो पी एक ऋण गामा संबंधे एक बटे टी के घाते गामा, अच्छा सर इसको ऊपर लेके जाइएगा पी एक ऋण गामा संबंधे टी के घाते नीचे से ऊपर गामा जाएगा तो ऋण गामा, बाबू रे घात में एक बटे एक माइनस गामा से गुणा किए तो ये तो बन जाएगा पी, यहां बन जाएगा माइनस गामा भागे एक माइनस गामा, माइनस से हो गया मल्टीप्लाई, तो पी संबंधित पी गामा भागे गामा ऋण एक, लेकिन इन्होंने तो कहा है कि वह टी का मान के पावर क्या है घात सी है, तो यानी पी और टी के घात सी है, तो कह सकते हो कि सी का मान गामा भागे गामा ऋण एक होगा। ये बेटा रे गामा का मान डाई एटॉमिक यानी कि द्विपरमाणु के लिए, गामा का मान डाई एटॉमिक के लिए 7/5 होता है, तो ये तो 7/5 भागा 7/5 ऋण एक, तो ये तो 7/5 भागा 7 में से 5 जाएगा 2/5, 5/5 गया, या सी का मान जो होगा 7/2 क्या आएगा, सी का मान 7/2 जो कि विकल्प संख्या चौथे में मौजूद है। बोलो क्लियर है, कुछ नहीं किया गया, एडियाबेटिक प्रोसेस है यानी रोधोष्म प्रक्रम के लिए हमने पढ़ा है पी के घाते एक ऋण गामा गुणे टी के घाते गामा, यह क्या होता है कांस्टेंट होता है, यही पढ़ा था, और उसके बाद डाई एटॉमिक के लिए गामा का मान 7/5 है, यह भी पढ़ा है। बोलो बढ़ जाए आगे। चलिए सर, 300 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस की अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, ए बाबू रे वी आर एम एस कहते हैं अंग्रेजी में, इसका सूत्र होता है कर्णी में 3RT/m, बाबू रे आर गैस कांस्टेंट का एक नियतांक है सबके लिए समान होगा, तो वी आर एम एस का मान क्या होगा किसके संबंधे होगा कर्णी में टी भागा एम के, तो वी आर एम एस हाइड्रोजन बटे किसका कह रहा है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कह रहा है बताइए अनुपात,
तो भैया अरे वी आर एम एस हाइड्रोजन, वी आर एम एस किसका? ऑक्सीजन बराबर करड़ी में टी किसका? हाइड्रोजन भागे मास किसका? हाइड्रोजन। कुल भागा करड़ी में टी ऑक्सीजन भागा मास ऑक्सीजन, यानी टी कितना दिया गया है करड़ी में 300, भागा में मास हाइड्रोजन का कितना 2, कुल भागा करड़ी में ऑक्सीजन का ताप कितना दिया गया है 1200। अच्छा बोलो साहब, यानी इसका मास ऑक्सीजन का 8, लेकिन गैस अरे कितना 16, 8 एटॉमिक यानी कि क्या हो गया नंबर, मास 16 एक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस का रहा O2 यानी कि 32। तो बेटा रे ऊपर तो करड़ी में 150 आएगा, नीचे करड़ी में 37.5 आएगा। आइए हाइड्रोजन का जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो 3860 है, कितना है यानी यहां पे 3860 भागा वी आर एम एस किसका? ऑक्सीजन बराबर करड़ी में 150 भागा करड़ी में 37.5। ए बाबू रे त्रिज्य गुणा करके हल करिएगा तो यानी वी आर एम एस ऑक्सीजन का आ जाएगा गुणा करने पे 1930 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो क्लियर है? अरे बोल भैया क्लियर है, बड़े आगे चलिए सर जल्दी से आखिरी सवाल कर लेते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा आज का पेपर रहा, आशा करते हैं आपको बड़ा मजा आया होगा, अच्छे से आपकी तैयारी बढ़िया रिवाइज हुई होगी। चलिए सर किसी सवाल में डाउट है तो दोबारा क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए सर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज के फेस्टी का, यानी अगर SHM में एक्स बराबर क्या है ए साइन ओमेगा टी है तो साइन का ग्राफ हमने पढ़ाया है बेसिक मैथ में, हमने न्यूलाइट प्रयास में पढ़ाया बड़ा ही शानदार तरीके से, साइन का कास का टेन का काट का सबका ग्राफ वगैरह खींचना सिखाया, सब पे सवाल कराया। तो यानी x का जो ग्राफ बनेगा x और t का वो साइन का देखो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। अच्छी बात है सर, x प्राइम यानी इसका पहला डिफरेंशिएशन करिए, यानी वेग बोले तो वेलोसिटी की चर्चा करिए, वो हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। कास का कैसे बनता था सर? कास का इसे बनता है, बोलो भैया। अच्छा एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव करिए, दो बार डिफरेंशिएट करिए या वेलोसिटी को एक बार करिए तो त्वरण आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लग जाएगा क्योंकि कास का तो माइनस साइन आएगा अब, और ओमेगा फिर से बाहर आया ए ओमेगा स्क्वायर कॉस का साइन ओमेगा टी। ये सब ये भी साइन का ग्राफ है लेकिन माइनस से शुरू हो गया तो इसी का बस उल्टा बन जाएगा नीचे से। तो बाबू रे अगर हम बात करें ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ कहां पे दिया गया है? पहले का तीसरा। पहले का तीसरा किसमें है? तो सर तीसरे विकल्प में है। फिर कह रहा है ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ है साहब, ये वाला ग्राफ कहां है? पहले में है, यानी कि बी का पहला सही है सर। अच्छा सर कह रहा ग्राफ बिटवीन एक्सीलरेशन टाइम, तो एक्सीलरेशन में ये वाला ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ दूसरे में दे रखा है यानी सी का दूसरा, तो बोले तो विकल्प संख्या तीन वाला सही है। बोलो कोई दिक्कत? चलिए सर बहुत शानदार तरीके से सारा पेपर सॉल्व हो गया, आशा करते हैं आपने बहुत अच्छा किया होगा। चलिए आपके लिए अगले पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक खूब मन लगा के पढ़िए, कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।